कन्हैया कुमार को ललकारने गिरिराज सिंह बेगूसराय जा रहे हैं। जी हां, गिरिराज सिंह 6 अप्रैल को बेगूसराय जाएंगे और वहां पर बेगूसराय लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह काफी नाराज चल रहे थे और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरिराज सिंह पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह से है, इसके साथ ही साथ एनडीए सरकार से है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से तनवीर हसन को बेगूसराय से कैंडिडेट बनाया गया है और कन्हैया कुमार को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। लेकिन इस बीच जैसे ही गिरिराज सिंह का नाम बेगूसराय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस किया गया, उसके बाद बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह की लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि पहले गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे और वो नाराज चल रहे थे, लेकिन गिरिराज सिंह काफी मान मनोबल के दौर के बाद मान गए। खुद अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कन्हैया कुमार महागठबंधन से कैंडिडेट होने की बात सोच रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर CPI को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कन्हैया कुमार को बेगूसराय से महागठबंधन के सीट पर टिकट नहीं मिला। लेकिन CPI के तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार बेगूसराय में घूम घूम कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उधर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, वो भी अब ताल ठोकने के लिए बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लड़ाई कैसा रूप लेती है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।